ट्रक चोरी का खुलासा, ट्रक स्वामी निकला चोर। अपर पुलिस अधीक्षक रामपुर अरुण कुमार ने प्रेस वार्ता कर ट्रक चोरी का झूठा मुकदमा दर्ज करा कर फाइनेंस के पैसे हड़पने के मामले का खुलासा किया है और ट्रक को भी बरामद कर ट्रक मालिक सहित चार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसमें एक व्यक्ति भागने में कामयाब हो गया है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। रामपुर के थाना शराब नगर क्षेत्र में रहने वाले कुछ लोगों ने षड्यंत्र रच कोर्ट द्वारा थाना शराब नगर में ट्रक चोरी का मुकदमा दर्ज करा दिया और ट्रक बेच दिया व फाइनेंस के पैसे भी हड़पने के चक्कर में ट्रक मालिक सहित पांच अभियुक्त नापे गए। अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर इनके द्वारा रचा गया षड्यंत्र ध्वस्त गया, चोरी दिखाया गया ट्रक का इंजन और उसका चेसिस भी बरामद कर लिया गया है जिसको दूसरे ट्रक में लगा दिया गया था। इनका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। आज सहजार नगर पुलिस को एक सफलता मिली है एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश करने में जिन्होंने अपने ट्रक चोरी का मुकदमा 156(3) CRPC के माध्यम से माननीय न्यायालय से आदेश कराकर थाने में लिखाया। मुखबिर की सूचना में पता ये चला कि जिस ट्रक की चोरी लिखाई गई है उसमें ट्रक मालिक और उसके साथी इन्वॉल्व हैं। उन्होंने ट्रक का इंजन अलग करके उसे बेचने की प्लान बना रखी है और बॉडी अलग दूसरे ट्रक में लोड कर रखी है। इस सूचना पर सहजार नगर पुलिस सक्रिय हुई और जिस ट्रक की चोरी बादी आसिक ने लिखवाई थी उस ट्रक का इंजन बॉडी से उतार कर अलग जहाँ भेजा जा रहा था उसे बरामद कर लिया गया। ट्रक की जो चेचिस वगैरह थी वो दूसरे ट्रक में बरामद हो गई। चार अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए हैं जिसमें एक मालिक स्वयं है, दूसरा उसका एक साथी जो इसका मास्टरमाइंड है राजेश पाठक। राजेश पाठक के भी वादी पे कुछ पैसे थे और वादी लोन से भी दबा हुआ था तो इन सब ने मिलकर योजना बनाई कि अगर इस ट्रक को हम चोरी लिखवा दें और ट्रक को बेच लें तो हम इन चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे, बीमा से पैसा मिल जाएगा और जो इसे बेचेंगे उससे हमारे कर्ज वगैरह समाप्त हो जाएंगे। ये लोग कब से कर रहे थे ये काम? अभी इनके बारे में और तहकीकात की जा रही है कि कोई और ऐसा धंधा इन्होंने किसी का किया हो, क्योंकि इस मामले में इस जनपद के ही 2-3 थाने काफ़ी संवेदनशील हैं जहां लोग ट्रकों की चोरी के बारे में 156(3) से मुकदमे लिखाते हैं जिसमें कैमरी है, भोट है, नाडा है, अजीम नगर है और ये सहजार नगर थाना भी है। तो इनकी गिरफ्तारी कहां से हुई है? इनकी गिरफ्तारी ये धमौरा पेट्रोल पंप के पास एक कांटा है वहाँ से इनकी गिरफ्तारी हुई है और वहीं उसी के अहाते में ये इंजन अलग, चेचिस अलग, इस तरह से सब कुछ कर रहे थे, रंगे हाथ पकड़े गए हैं। एक व्यक्ति वहाँ से फरार हो गया है जो इसको काटने का काम कर रहा है।